नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी कुमारी और आप सब देख रहे हैं एसीसी न्यूज टुडे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज शुक्रवार को दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले। अजीत डोभाल से मिलकर वांग यी ने उनको चीन आने का न्योता दिया। दोनों देशों ने माना कि बॉर्डर पर शांति के लिए सेनाओं का पीछे हटना जरूरी है। बॉर्डर विवाद और कश्मीर पर टिप्पणी के बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी का यह दौरा काफी अहम है। पाकिस्तान में हुए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन समिट में चीन ने कश्मीर पर टिप्पणी की थी, जिस पर भारत ने नाराजगी जताई थी। कल दोपहर तक वांग यी के भारत दौरे पर सस्पेंस बना हुआ था, फिर शाम को वह काबुल में तालिबान से मीटिंग करके दिल्ली पहुंचे थे। दोनों देशों ने माना कि तनाव तभी कम हो सकता है जब LAC पर सैनिकों की तैनाती को घटाया जाए। माना गया कि पहले सैनिकों का पीछे हटना जरूरी है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में कहा गया कि आगे बेहतर द्विपक्षीय संबंधों के लिए बातचीत के लिए बाकी हिस्सों से सैनिकों को पीछे जाना और अवरोधों का हटाया जाना जरूरी है। डोभाल ने यह भी कहा कि मौजूदा हालात किसी के भी हित में नहीं है और शांति से ही दोनों का एक दूसरे के प्रति विश्वास जागेगा। मीटिंग में डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर सकारात्मक बातचीत का समर्थन किया गया, जिससे शांति को बहाल किया जा सके। जल्द से जल्द बॉर्डर विवाद को सुलझाने पर भी जोर दिया गया। NSA संघ मीटिंग के आखिर में चीनी विदेश मंत्री ने डोभाल को चीन आने का न्योता दिया। डोभाल ने न्योता स्वीकार करते हुए कहा, जैसे ही जरूरी मुद्दे सुलझा लिए जाएंगे वैसे ही वह चीन दौरे पर पहुंचेंगे।